देखो भाई, जो हमने रेशो पर क्वेश्चंस किए थे उसपे हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास एक ही था बीच बीच में हम डिफाइन भी करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ भाई, लास्ट में हमने कर रहे थे रेशो प्रोपोर्शन का, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहा है, 94 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच दैट ए वे दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द एट पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशो 3:4 एंड द फर्स्ट पार्ट इज। ये मेरे पास, तो यह दो तरीके हैं, एक तो हम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा हम चेक भी कर लेते हैं। तो 94 को अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये है, अगर वन पार्ट एक्स होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट 94 माइनस एक्स होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है, अगर वन पार्ट हमारे पास एक्स है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली 94 माइनस एक्स। अब आपसे क्या कह रहा है, दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एक्स बाई फाइव, या x बाई फाइव ना कह के आप कह सकते हो 1/5 ऑफ x एंड द एट पार्ट ऑफ द सेकेंड 1/8 ऑफ सेकेंड 94 माइनस x आर इन द रेशियो 3:4। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 3:4 है। ये बात बताओ सब बच्चों को समझ में आएगी? ठीक यस सर। है, फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, सेकंड का जो एट पार्ट है, उनका रेशियो 3/4 है। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा एक्स, एट चला जाएगा ऊपर, फाइव आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 5 को 94 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 94 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 4 जा 32 एक्स माइनस, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 15 × 94 एंड -15x। 32 और 15 प्लस हो जाएंगे तो 32 और 15 होता है 47, तो ये हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 15 × 94। देखो मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था कि लास्ट में कहीं ना कहीं जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 47 से ये 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो अगर हमारा एक पार्ट 30 है तो दूसरा पार्ट 94 में से माइनस करके आ सकता है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा 30 हमारा आंसर है। कुछ समझ में आया क्या सर? ठीक यस सर। है, तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बच्चे कि आप कितना तेजी से समझ पा रहे। ये हमारे पास है, आप सब बच्चे कितना तेजी से कैलकुलेट करते हो, 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second is in the ratio 3:4 that the first part is। तो हमारे पास क्या है, प्लीज जरा ध्यान से देखो, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन दिए हैं 30 और 36 और 40 और 28। अगर फर्स्ट पार्ट मेरा 30 है तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली हमारा टोटल जो है वो 94 है, 94 माइनस 30 64 हो जाएगा, यस और नो? हाँ भाई, अगर फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट 64 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट इज सेम एज एट पार्ट ऑफ सेकंड, सब बच्चे बताओ यस और नो? यस सर। ठीक है, आर इन द रेशियो नॉट इक्वल्स टू इन द रेशियो, तो ये आएगा 5 6 जा और ये आएगा 8 8 जा, तो 6:8 की रेशियो क्या 3:4 होती है, यस और नो? Yes. यही मेरा आंसर है, जरूरत ही नहीं है हमें कुछ और करने की। सर समझ में आया? Yes, तो ऑप्शन आपको देखना है बेटे कि आप कितनी तेजी से चीजों को समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर हम जो हमारे लास्ट कुछ प्रोपोर्शन वाले कुछ कॉन्सेप्ट रह रहे हैं वो डिस्कस करते हैं।
यस ये वाला बताओ सर। The ratio of A to B is 4:5 and that B to C is 2:3. If A is equals to 800, then C equals to what? Fifteen hundred. ठीक है जी। चलो देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि दो तरीके से सॉल्व करें। एक तो तरीका ये है हमारे पास, आप सब बच्चे देख लीजिए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ए बी का रेशो 4:5 दिया और हमारे पास बी है और सी है, इसका रेशो जी जी सर अस्सलाम वालेकुम, आई हैव जस्ट जॉइन टुडे, टुडे इज माय फर्स्ट डे। वेरी नाइस, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हिबा। हिबा, वेरी नाइस। फॉर व्हिच कोर्स यू आर? बीबीए बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, यूजी कोर्सेस। जी गुड, वी आर डिस्कसिंग रेशियो प्रोपोर्शन विद इट, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है? और बस ये आप ये समझिए इट इज योर फर्स्ट। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वापस हम इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे, तो इसका मतलब जब वन सर्कल पूरा होगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नथिंग इज लेफ्ट। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट गया है, कुछ हो गया जी। तो आप ये कंसीडर करिए ये व्हिच इज योर फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, दैट्स इट। ओके, अब देखो कितना सिंपल टॉपिक है, अभी आपको समझ में आएगा। चलो तो बेटे हमारे पास क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। हियर गिवन रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:5, ठीक है? हमसे क्या कह रहा है कि a to b is 4:5 and b to c is 2:3, then a equals to, तो बेटे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है हिबा कि अगर हमारे पास a to b और b to c दिया हो तो हम a b c फाइंड कर सकते हैं, a is to b is to c फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पास b है बेटे उसको हम इक्वल कर लेते हैं दोनों जगह, एक जगह हमारे पास b बेटे 5 है, दूसरी जगह हमारे पास 2 है, तो इसका LCM ले लेते हैं, LCM आएगा 10, तो इसका मतलब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो 5 के साथ है उसको भी 2 से करेंगे, यानी कि A को, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 5 से, ठीक है? तो फिर हम नीचे C को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होता है, इससे रेशो हो जाता है हमारा 4:8, 5:10, 2:5, 3:5, 50, तो ये रेशो हो जाता है। तो यहाँ B हमारा कॉमन हो गया बेटे 10। अब हम कह सकते हैं कि a is to b is to c is equals to 8 is to 10 is to 15। एक तो क्वेश्चन ये अलग से, अगर आपको a upon a is to b b is to c दिया हो तो सिंपल आपसे पूछ सकता है find a is to b is to c, तो ये हम निकाल सकते हैं। सेकंड बेटे इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि a is to c बताओ, तो a is to c 8 is to 15, ठीक है? That is another thing, but क्वेश्चन क्या था, if a equals to 800 जी। तो यहाँ हमारे पास ये तो हमारा जो आया है ये तो रेशियो में आया है, बट अब आपसे कह रहा है वैल्यू, वैल्यू क्या कह रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो 800 ए जी। सी, तो आपसे कह रहा है सी बताओ, तो यहाँ पे ये देखना होता है कि ए किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 800 यानी 100 से, तो 15 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 1500। या फिर हम कभी कभी ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई A हमारा है 8x और B हमारा है 10x और C हमारा है 15x, तो A को उसने कह दिया 800, तो इसका मतलब x हमारा आ गया 100, तो यहाँ भी 100 रख देंगे तो आ जाएगा, समझ में आया ये? जी सर आ गया। लेकिन बेटे आप सब बच्चे देखो, इल्मा देखो बेटे इधर, हम इसको और इजी करेंगे। एक तो मैं हमेशा ध्यान रखो, हम कोशिश ये कर रहे हैं, एक तो जो हमारा सीधा सीधा सा तरीका होता है सॉल्व करने का वैसे सीखे, एक हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है हमारा, जब अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे तो वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो कि हम क्या सोच सकते थे, सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है a is to b बेटे 4:5
और बी इज टू सी हमेशा ये जरूर देखना है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है. बी इज टू सी 2:3 है, ए इक्वल्स टू 800. ठीक है, अब जरा सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर आपने ऐसे ऐसे लिख लिया तो क्वेश्चन बहुत, अभी तो मैं सिर्फ आपकी वजह से लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है. कि हमारे पास क्या है, ए इज टू बी बेटे, प्लीज सब बच्चे, वो दिया हुआ है 4:5. ठीक है बेटे, लेकिन हमसे कह रहा है कि ए हमारा 800 है. सब बच्चे जरा देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन. अगर ए मेरा 800 है तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है बी मेरा कितना होगा? 7000. आपको यहाँ ये सोचना है बेटे कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 800 करने के लिए, ये मल्टीप्लाई हुआ है 200 से. ये सर नौ बच्चे जी, तो फिर 5 को भी 200 से मल्टीप्लाई करो बेटे. सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आई ये बात जी? भाई सब बच्चे बोलो ना, बच्चे तो है माशाल्लाह, एक दो बच्चों की आवाज आ रही है. बेटे मैं हमेशा ये कहता हूँ एक ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्लास से वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मेरा तो काम ही खत्म हो गया ना. आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, बस एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लो और वो एग्जाम में आ जाए तो एक नंबर से वो बहुत मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है. तो एक ही क्वेश्चन को उसी स्टाइल में सीखा करो प्लीज. तो ये हमारे पास हो गया. अब हमारे पास क्या है बेटे, अब तो हमें बी टू सी दिया हुआ है क्योंकि मुझे सी निकालना है. ठीक है, और बी दिया हुआ है 2:3. अब आप सब बच्चे सोचो कि मेरा बी यहाँ 1000 आया है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 500. वेरी गुड, शाबाश, 500 से. तो सी को भी किससे मल्टीप्लाई करूं? 500. तो 3 × 500 क्या हो जाएगा? 500. आया समझ में या नहीं आया सब बच्चों को? हाँ भाई सब बच्चों को समझ में आया, दोबारा से बताऊं? इल्मा आपको आया समझ में बेटे? इल्मा, दाऊद, फातिमा, इल्मा, नहीं आ रहा तो बेटे दोबारा बताएंगे. मारिया सर, समझ में आया कुछ? जी सर. यस सर आ गया. हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करना चाह रहे हैं, दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए. लिखने की जरूरत भी नहीं थी बेटे अगर इस तरह से हम सोचेंगे. अगर मैं क्वेश्चन में ही सोचूं तो ध्यान से देख लीजिए, ए मेरा है 4 और यहाँ मेरा ए कह रहा है 800, तो 4 से बेटे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 200 आएगा. अगर ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी मेरा है 5, तो 200 × 5000 हो जाएगा. लेकिन बी मेरा है 2, तो 2 से डिवाइड करूं तो 500 आएगा, और 500 × 3 = 1500 मेरा आंसर है. इतना सा लिखना है एग्जाम में अगर आप दिमागी दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं. और दूसरी तरीके से मैं आपसे कहूं तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि भाई हमारा जो ए और बी का रेशियो है वो है बेटे 4:5, लेकिन ए जो दिया हुआ है वो 800 दिया हुआ है. तो बी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी भी 200 से मल्टीप्लाई होके बेटे 1000. अच्छा, अब कहाँ कहानी शुरू होती है? अब कहानी शुरू होती है b:c की. b:c कितना है? 2:3. लेकिन b की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 1000. तो इसका मतलब b किससे मल्टीप्लाई हुआ? 500 से. तो c भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 500 से. तो कितना आ जाना चाहिए? 1500. ठीक है जी, देखो दोबारा से देखो और क्वेश्चन. अब मैं रेशो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट बता दूंगा फिर इंशाल्लाह आपको, तो हमारा एक तरह से तो चैप्टर पूरा हो गया, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे. तो चलो ये बताओ जल्दी से मुझे, यहाँ टोटल दिया हुआ कौन बताएं? B का amount निकालना.
आंसर बेटे बहुत तेजी से किया करो, ए इज टू बी, ए इज टू बी इज 3:7 एंड बी इज टू सी इज 6:5 मैं कह रहा हूँ टोटल दिया हुआ है, तो टोटल को हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी आ जाए। मैंने अभी ए इज टू बी इज टू सी निकालना सिखाया था कि हम बी को इक्वल करेंगे पी को, तो हमें क्या करना था एलसीएम लेना होता है। जब एलसीएम लेना ना आए तो बस सीधा सीधा सा ध्यान रखो, सेवन से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 6 से इधर करेंगे तो 3 6 18, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42 और 7 5 35, यस और नो? जी सर। ये हमारे पास हो, अगर हमारे पास ये हो गया 18:42:35, तो इसके भी मैंने तीन तरीके, दो तरीके बताए थे। एक तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 18x plus 42x plus 35x total is equals to 33,630. लेकिन एक तरीका ये बताया था कि मुझे डायरेक्ट b निकालना है, तो b का पार्ट यहाँ कितना है, b का पार्ट यहाँ कितना है 42. टोटल कितना है 18 plus 42 हो गया कितना 60, 95 है ना, तो कितना हो गया आपके पास, तो 42 out of 95, तो how much in 33,630, yes or no? जी सर। Yes sir। ये हमारे पास 19 से शायद cancel हो रहा होगा, या 5 से cancel कर लो अपने आप आ जाए, ये हमारे आंसर है। कितना आ रहा है, डिवाइड करो 19 1 से करेंगे तो कितना आएगा ये 33। तो ऑप्शन ए होगा 146। 9.7 होता है, ये कितना होता है 19 से कटेगा सर, 19 से कितना 9 बटा होता सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 14686। हां चलो ठीक है, 33630 डिवाइडेड बाय 95 कितना आ रहा है, 33630 डिवाइडेड बाय 19 हमारा आ रहा है सर ऑप्शन 1770। 1770 मल्टीप्लाई बाय 42 इज 14686। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और, ये देखो एक छोटा सा मजाक कर रहा है और ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लेता है और हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है, बताओ चलो ये क्या होगा। टू बाई थ्री ऑफ ए इज 75% ऑफ बी इज 0.6 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज व्हाट, बताइए। बताइए बेटे, नहीं हुआ बेटे, सीधी सी बात है, 2/3 ऑफ ए इज 75% ऑफ बी इज 0.6 ऑफ सी, ऑफ सी इनटू सी होता है ये हमारे पास, यस और नो? जी ठीक है, अगर यहाँ से भी मैं पॉइंट हटा दूं तो ये भी 6/10 हो जाए, यस और नो? तो एक तो मैंने आप सब बच्चों को बताया था शायद पिछले क्लास में भी कि अगर हमारे पास कभी ऐसे होता है 2a = 3b = 4c, तो a और b और c का रेशो
उनके रेसिप्रोकल में होता है, कुछ बताया था क्या? याद आया कुछ मैंने बताया था लास्ट क्लास में? सर ऑप्शन टू होगा इसका। ठीक है, एक तो ये होता है, तो इनके रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा। और क्यों होता है वो भी सीख लीजिए। होता है इसलिए बेटे, दीज ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो इनको इक्वल हम किसी एक अलग से नंबर के ले लेते, एक्स के ले लेते। तो अगर हम इस थ्री को इधर लाएंगे, इस टू को इधर लाएंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 3/2x, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 100/75x, यहाँ से सी की वैल्यू आएगी 10/6x। यस और नो, सब बच्चे बताओ, है ना? तो फिर अगर अब अगर हम यहाँ से लेंगे कि भाई a is to b is to c क्या आया, तो 3/2x is to 100/75x is to 10/6x, but x तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 3/2। तो यहाँ हमारे पास 3/2 है, उससे अच्छा तो 2/3 का रेसिप्रोकल कर देते, 100/75 तो 75/100 का रेसिप्रोकल कर देते, 10/6 तो 6/3 का 10 का रेसिप्रोकल कर देते। तो ये हमारे तीन स्टेप बचे। कभी भी अगर तीनों नंबर्स एक साथ आए हुए हैं तो उनका रेशो उनके रेसिप्रोकल में होता है। तो अब हम सीधा रेसिप्रोकल कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a is to b is to c is 3/2 is to 100/75 is to 10/6। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, सिंपल क्या कर लो, मतलब इसको कर लो पहले, ये हो गया 2/3, इसको भी कर लीजिए, ये हो गया 5/3। यस और नो? जी सर। अब आपको क्या करना होता है, जब रेशो फ्रैक्शन में गिवन होते हैं बेटे, तो फ्रैक्शन में हमारा रेशो नहीं होता है, उसे इंटीजर में करना होता है। इंटीजर करने के लिए हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम लेना है डेनोमिनेटर का। यहाँ 2 है बेटे, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो एलसीएम होगा 6। हमारा डेनोमिनेटर सेम हो जाए, डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाए बेटे, ठीक है? तो कैंसिल करना है एक्चुअली, तो रेशो सेम रहता है बेटे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सब में ऊपर नीचे नहीं मल्टीप्लाई करना कि 6 से ऊपर 6 से नहीं, हम टोटल ही 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होगा बेटे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये हमारा रेशो है। सर 4 नहीं आएगा, वो 8 आएगा। हां ये कह रहा था मैं, है तो 4 की जगह 8 है। क्या था वहाँ, उसकी जगह 8 तुम्हारा है, 100/75 है ना हमारे पास, 52 तो सर वो 2/3 नहीं 4/3 होगा, है? अच्छा 24, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, 25 4 जा, यस मैं वही सोच रहा हूँ, 50 से कर दी, ठीक है, 2 4 जा क्या हो गया 8, तो 9:8:10, कोई ऑप्शन है? जी सर, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया? जी, बस ये करना। चलो सर, पहले छोटी छोटी, अच्छा पहले एक क्वेश्चन देखो, अच्छा लगेगा आपको। इधर देखो सब बच्चे, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिससे आपको लेवल ऑफ एग्जाम हमेशा पता रहे। देख, पिछले साल जामिया में आए, जल्दी से आंसर दो, कितने सेकंड्स में दे सकते हो? कितनी देर में आंसर आ जाना चाहिए? 48 थे जी, ऑप्शन सी। हां भाई, बताओ सर, ऑप्शन सी 48 के जी। Option C, the new weight is divide 58 weight 56 kg, physically reduce his weight in the ratio 7:6. David weighs 56 kg. If he reduce his weight in the ratio, then find his new weight. So new weight आप कह रहे हो 48. हाँ भाई, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं। हाँ मुझे भी नहीं आया। अब समझ में आया बेटे? नहीं सर, दोबारा समझाइए। मैंने अभी समझाया ही नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया नहीं? हाँ भाई देख, एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज होती है, इंग्लिश जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है?
हमारी तो लैंग्वेज भी बहुत पुअर लैंग्वेज है इंग्लिश में बात करें, आप लोग तो माशाल्लाह पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं तो आपको तो अच्छी है। तो यहाँ पे सिर्फ वो लैंग्वेज से खेल रहा है कि डेविड वेट्स 56 केजी, तो जो उसका वेट है वो 56 केजी। ओके, अब उसने क्या किया है, इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, तो उसने अपना वेट रिड्यूस कर लिया। तो अब हम क्या कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल वेट है या फर्स्ट वेट है और ये मेरा रिड्यूस वेट है। तो उसने जो वेट रिड्यूस किया है वो उसने 7:6 की रेशो में किया है। तो यहाँ बस ये समझना है कि व्हाट इज 7:6 रेशो। तो 7:6 रेशो का मतलब ये है कि अगर पहला वेट 7 था तो रिड्यूस वेट 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है बेटे, तो यहाँ ये कहना चाह रहा था, इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, ये हमारे पास। तो अब हमसे क्या कह रहा है, ये फाइंड हिज न्यू वेट, तो ये वेट हमें निकालना है। ठीक है जी, या आप ये भी कह सकते हो कि जो रिड्यूस वेट है वो 7/6 ऑफ दिस है, ये हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बताइए जरा सीधा सीधा सा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 कैसे आएगा ये अगर ना सोचो तो? 7 को किससे मल्टीप्लाई करो 56 लाने के लिए, 8 से या 9? सर 8, तो इसे भी 8 से कर दो भाई। बेटे ऐसे ही तो करते हो कि अगर ये 7x है तो ये कितना होगा 6x, तो 7x किसके इक्वल रखोगे 56 के, तो फिर x कितना आ जाएगा 8। जब x 8 आएगा तो यहाँ 6×8 रखोगे, तो उसको वैसे ही सोच लिया करो ना कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप समझ में आया? जी जी। ऐसे चलो अब देखो दो तीन चीजें समझ लो। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेशो है a:b, ठीक है। तो एक होता है इनवर्स रेशो, वो होता है b:a, ठीक है। एक होता है डुप्लीकेट रेशो, वो होता है a²:b², एक होता है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट ले ली। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब कर दीजिए। एक होता है सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ले ली, क्यूब रूट। क्या मतलब है, अगर हम इसको वैसे कहें कि सपोज करो हमारे पास नंबर है 2:3, तो इसका इनवर्स रेशो क्या होगा, 3:2। इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए 4:9, ठीक है। इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब कर दीजिए 8:27। इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, अंडर रूट ले लीजिए। इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब रूट ले लीजिए। ये
हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कभी कभी फोर नंबर्स होते हैं ऐसे। मैं अगर आपसे कहूं 1:2 एंड 3:6, तो इसका मतलब ये है कि जो रेशो 1:2 का है वो ही रेशो 3:6 का है, तो इसे कहते हैं सेम रेशो। दीज नंबर आर इन सेम रेशो, और सेम रेशो के लिए काम आता है प्रोपोर्शन। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है a:b इज सेम एज c:d, तब उन्हें हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो a:b इन प्रोपोर्शन c:d, तो a और b का रेशो और c और d का रेशो सेम होता है। प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है फोर डॉट्स, ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी क्या होगा, कोई सा एक नंबर मिस कर देगा और आपसे वो निकलवा लेगा। जैसे मैंने अभी लिखा था 1:2:3:6, तो आपसे अगर ये कहते हैं कि 1:2 इन प्रोपोर्शन 3:x, तो x बताओ, ये आपसे तो कुछ नहीं करना सर, सीधा सीधा से सॉल्व करना है। 1/2 = 3/x, तो x यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो x = 2। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई सर। अब इसमें इसमें होगा क्या, यहाँ ऐसे ना कह के ऐसे कहेगा आपसे, आपसे क्या कहेगा, 1, 2 and 3 आर इन प्रोपोर्शन, ये आपसे कहेगा। और आपसे कहेगा फाइन फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आपसे, मतलब कोई सा भी नंबर मिस कर सकता है। तो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन कह रहा है तो इसका मतलब पहला वाला मिसिंग है, बाकी उसी ऑर्डर में रखते चले जाइए। अगर सेकंड वाला कह रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला 1 हो गया, सेकंड वाला x हो गया, थर्ड वाला 2 हो गया, फोर्थ वाला 3 हो गया। अगर थर्ड कह रहा है तो ठीक है 1:2 = x:3, और अगर फोर्थ कह रहा है तो 1:2 = 3:x। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कि जो भी मिसिंग है उसको हम x मान लेंगे, बाकी सबको उसी ऑर्डर में लिख लेंगे। सॉल्व करने के लिए जब आएगा तो फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मान लो पहले वाले की बात करूं तो x/1 = 2/3, तो यही हमारा x का आंसर है फिलहाल 2/3। सर समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत जी? तो ये हमारे पास होते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पे भी कुछ रूल्स हैं कि अगर हमसे ये कह रहा है इफ a/b = c/d, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे एक रूल तो ये होता है, इसी को उल्टा ही कर देते हैं, तो एक रूल तो यही होता है b/a = d/c। तो ये उल्टा हो गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सी को यहाँ ले आए और बी को यहाँ ले जाए तो फिर हमारा रेशो ऐसे नजर आएगा a/c = b/d, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट आ गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बी को ऊपर ले जाके प्लस कर देते हैं, तो a+b/d, और इधर डी को ऊपर ले जाके प्लस कर देते हैं, तब भी रेशो सेम आएगा, इसे कहते हैं कंपोनेंट। इस पे क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, बस अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछे कि इसका कंपोनेंट बताओ, डिविडेंड बताओ, ऊपर ले जाके माइनस कर दे, तब भी रेशो सेम रहेगा। अभी एग्जांपल भी लेंगे कैसे सेम रहता है, वो हो जाएगा डिविडेंड, अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तब सेम रहेगा। अगर इन दोनों को एक साथ ले लें, प्लस को भी और माइनस को, तो ये हमारा कहलाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये मींस। कैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज करो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 5/2 इज सेम एज 10/4। तो अगर हमारे पास ये रेशो है तो फिर आप ध्यान से देखो 2/5 भी
फोर बाई टेन के इक्वल होगा पहला। अगर हम इसका ऑल्टरनेट करें, फाइव बाई टेन टू बाई फोर के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट दो। अगर हम ऊपर ले जाएं, फाइव प्लस टू सेवन बाई टू, टेन प्लस फोर फोर्टीन बाई फोर, तब भी रेशियो सेम रहेगा। अगर हम ऊपर ले जाके माइनस करें, फाइव माइनस टू थ्री बाई टू, टेन माइनस फोर सिक्स बाई फोर, तब भी रेशियो सेम रहेगा। और अगर हम प्लस और माइनस दोनों करें तब भी रेशियो सेम रहेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये हमारे पास है इस तरह से रेशियो। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा मिस कर गया, अगर कभी कभी हमारे पास तीन नंबर दिए हुए, वन इज टू टू इज सेम एज टू इज टू फोर, तो जो रेशो वन और टू का है वही रेशो टू और फोर का है तो ये प्रपोर्शन, लेकिन यहाँ नंबर सिर्फ तीन ही यूज हुए हैं, तो इसका मतलब कभी कभी ऐसे दे देता है, ए इज टू बी इज सेम एज बी इज टू सी, तो ये भी प्रपोर्शनल ही कहलाता है। बट यहाँ पे इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रपोर्शनल, और ये हमारे पास क्योंकि दो है तो इसको हम कहेंगे मीन प्रपोर्शनल, और इसको हम कहेंगे थर्ड प्रपोर्शनल। तो अगेन जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, हमसे अगर ये कह दे कि टू एंड फोर आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन फाइन, अब यहां से आपसे कह सकते हैं फाइन, क्या कह सकता है जी भाई? सलाम अलैकुम। भाई सलाम, अच्छा मैं बात कर लेता हूँ, उनसे कही उनसे बात कर लेता। तो हमारे पास क्या है, टू एंड फोर आर इन प्रपोर्शन फाइंड। अब आपसे कह सकता है फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, आपसे कह सकता है मीन प्रपोर्शन बताओ, आपसे कह सकता है थर्ड प्रपोर्शन बताओ। तो अगेन उसी हिसाब से रखना है, अगर हमारे पास टू और फोर दिया हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बात कर रहा है टू फोर की, यानी कि सिर्फ दो ही नंबर दिए और कह रहा है प्रपोर्शन, तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड। तो यहाँ पे एक नंबर कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ भी आपको ये समझना है कि जब दो ही नंबर प्रपोर्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो अगर आपसे कह रहा है कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, तो मिसिंग एक ही हुआ, नंबर हमारे पास तीन है एक्स टू फोर, तो एक नंबर कंटिन्यू हुआ, तो कंटिन्यू कौन सा होगा, इसी ऑर्डर में यानी कि बीच वाला, तो टू को हम कंटिन्यू कर देंगे। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू टू अपॉन फोर, ऐसे। लेकिन अगर आपसे कह रहा है नहीं सर मीन प्रपोर्शन बताओ, अब हमारे पास नंबर दिए हुए टू फोर और निकालना मीन है, तो फिर हम क्या करेंगे, टू मीन वाला गायब कर देंगे, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये आ जाएगा टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि टू फोर दिया हुआ है और थर्ड प्रपोर्शन बताओ, तो इस बार थर्ड वाला गायब होगा, तो अब क्या होगा, इसको एक्स मान लेंगे, तो टू अपॉन फोर is equals to 4 upon x। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से जो हमारे पास रहते हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो वो उसी तरह के हैं जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। देखो जरा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप सब बच्चे, अगर कभी ऐसे दिया हुआ है a upon b c upon d e upon f, तो ध्यान रखना इन सब का सम, न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर, उसका रेशो भी सेम हो, ए सी ई बी डी है। जैसे मैं अभी आपसे क्या कहूँ, अगर मैंने आपसे कहा वन बाई टू टू बाई फोर थ्री बाई सिक्स, क्या ये सारे रेशो सेम है? हाँ भाई, क्या ये सारे रेशो सेम है? जी सर। यस सर। अब जरा ऊपर का प्लस लेना आप क्या आएगा, सिक्स, और नीचे का सम लेना क्या आएगा, तो क्या ये भी वन बाई टू ही आ रहा है? जी सर। तो ये भी सेम आए, ये हमेशा ध्यान। अच्छा अगर कभी ऐसे दिया जाए a अपॉन b c अपॉन d e अपॉन f, तो अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये कंबाइंड रेशो कहलाता है, ध्यान, या कंपाउंड रेशो भी कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें देखें।
रेशियो तो वही थे ए बी सी वाले, बट अब इसमें क्या होंगे एप्लीकेशंस होंगे बेसिकली रेशियो के ऊपर. जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम में भी रहता है इन ए पीरियड ऑफ स्कूल स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 9:7 रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 256 फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. कर सकते हैं तो सब बच्चे मुश्किल होना नहीं चाहिए. आंसर है गर्ल्स. इतना टाइम यही सर 112 ऑप्शन टू. हम से पूछ लेता हूँ. हाँ भाई आंसर आ गया जी सर ऑप्शन बी 112. और भी तो बच्चे हैं मेरे पास. बेटे कुछ करना थोड़ा ही था इसमें. खामोश हो जाते हो आप लोग तो. बॉयज और गर्ल्स रेशियो है 9:7 लेकिन टोटल जो है वो 256 है और आपसे कह रहा है सिर्फ गर्ल्स बताओ. तो गर्ल्स कितने हैं 7. कितने में से है 16 में से. हाउ मच इन 256 ये आंसर था. इसमें करना क्या था. यस सर. यस सर की देर में आवाज क्यों आ गया था. पहले आ गया था. हमें नहीं मालूम. अच्छा चलिए देखो जरा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है. बताओ क्या होगा. प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं. जल्दी बताओ. यस के ऑप्शन है. ओहो जी बताइए. करना नहीं था कुछ इस क्वेश्चन में. अटल जाते हो और फिर खामोश हो जाते हो. यावर मियां कहाँ हैं आप. अस्सलाम वालेकुम सर. अरे भाई सर कहाँ हो आप. सर थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू होता है यहाँ पर. हाँ ये तो है. यूपी में तो बहुत जीरो हुआ है. देखो अगर कहीं से वो वायर वाला ब्रॉडबैंड वाला अरेंजमेंट हो जाए. यस सर वाईफाई के लिए बोला है कल. सर ऑप्शन 2 1/35. दो चार बच्चे आसपास के इकट्ठे कर लो सबको फायदा हो जाए. बैठ के अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर लो तो किसी के पास जाके कर लो इस तरह से. हाँ जी सर क्या कह रहे हो. ऑप्शन 2 सर. ऑप्शन 2 आए या ऑप्शन 5 आए मुझे उससे मतलब नहीं है बट जितना आप टाइम देते हो उससे मुझे मतलब है. आप माशाल्लाह इतने दिन से क्लास कर रहे हो और फिर इतनी देर में बोलते हो. बेटे जैसे लिखा होता है सब बच्चे इधर देखो. आप लोग ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो. फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन तो ये हो गया मेरा विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27. इसका जो 1/27 के साथ रेशियो है वो वही है दैट 3/7 डज टू 5/9. ये क्वेश्चन है यस और नो सब बच्चे बताओ. यस सर. तो फिर क्यों देर करते हो. यस सर. तो ए बाय बी निकालना था. तो ए बाय समझ नहीं आया था. हाँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता ना दीपा. मैंने कहा ना इंग्लिश में लिखा होगा. बताओ बेटे क्या लिखा. बता दीपा. फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है बेटे.
That's it. Which bear the same ratio to 1/27? इसका मतलब जो a by b का ratio है बेटे, किसके साथ? 1/27 के साथ. कितना है? जितना ratio 3/7 का 5/9 के साथ है. Yes or no? Okay, sir. यही तो था ना बेटे. आपको words को change करने हैं symbols में. आगे समझ बेटे. अच्छा दूसरी बात ये है, ये अपॉन होता है. तो अगर ये बेटे अपॉन होता है तो अपॉन को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं कैसे? उसको रेसिप्रोकल करके. यस और नो? यस सर. तो 3/7 × 9/5, दैट्स इट. अब देखो दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो. 3×9 = 27. आ गया 3×9 = 27. बेटे बताओ अब 7×5 = क्या हुआ? 25. तो बताओ कहीं 1/35 था क्या? ऑप्शन 2. फिर कितना टाइम लगा? तो मेहरबानी करके कॉन्सेप्ट की डेप्थ नहीं देखनी है कि ये रेशो फ्रैक्शन के कितने मुश्किल क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं करना है, नॉलेज करनी है. नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. पता नहीं कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए और जिसमें हम अटक जाए. आ जाओ सर. चलो एक क्वेश्चन ऑन करो. कौन बताएगा? चलो जो ये क्वेश्चन बताएगा उसे 100 rupees मिलेंगे. कितने? हाँ भाई अब आधे तो वैसे ही कंपटीशन छोड़ देंगे. सर आप 100 कह रहे हो तो मुश्किल होगा क्वेश्चन. बताओ कौन बताएगा ये क्वेश्चन? अगर आपने लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड समझा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप खूब सोए माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया, फ्रेश हो गया. तीन परत दो सुन्नत पढ़नी है ना जी? जी बेटे, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 8:12. पूरी स्टोरी मत पढ़ा कीजिए, बस ऊपर से लेकर शुरू किया कीजिए. नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज पता नहीं, गर्ल्स पता नहीं, कितना है? 8:12. सही बात है. If 50% of boys, यहां से 50% ले लेते हैं, and 24% of girls, यहां से 25% ले लेते हैं, ठीक है? Of, for their study, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? तो जो बच्चे वो हमारे पास scholarship नहीं ले रहे हैं, ये हमसे कह रहा है. तो जिनको scholarship नहीं मिली है, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? जिनको scholarship नहीं मिली है उसकी बात कर रहा है. दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं. एक इसको x में लेके कर सकते हैं, एक इसको assume करके भी कर सकते हैं. अब तो बता दो, तो मैंने सारा लिख ही दिया. एक्स करके भी लिख सकते हैं, एज्यूम करके भी. जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो अपनी तरफ से सोच लेते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाएगा. ये इल्मा बताओ. बोलो बेटे. सर ऐसे करके होगा कि 8/20 × 50 करके. 8/20 × 50 क्या है बताइए? मतलब number of boys शायद, मतलब मैंने ऐसे सोचा, try किया ऐसे, क्योंकि eight number वो ratio पर है ना. 50% किसका है ही भाई, बताओ बेटे. 50% किसका? boys का है. तो 50% of eight होगा ना बेटे. 20 क्यों ले रहे हो? 50% of 8 होगा ना. ओके देखो, चलो आओ. दो तरीके हैं सर. सब बच्चे ध्यान से देखो, इधर सारी बटालियन इधर देखो ध्यान से. दो तरीके हैं बेटे जब हमें कुछ भी जीवन ना हो. एक तो तरीका ये था बच्चे कि हम ये मान लेते कि भाई हमारे पास ये 8:12 है, तो हमने इसको ले लिया 8x और इसको ले लिया हमने 12x, ठीक है? अब हम कह रहे हैं इसका 50%, तो 50% आपका पास क्या हो जाएगा? 4x, है ना?
तो 4x को स्कॉलरशिप मिला है, किसको नहीं मिला, कितने बचे, है ना भाई, आधों को मिल गया, आधे बच गए, तो 8x में से 4x रह गए। अच्छा यहाँ पे था 25%, कोई बच्चा मुझे बताएगा 25% 12 का कितना होगा? 3 yes 3x, तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9x, तो स्कॉलरशिप किसको नहीं मिला, 4x9 नहीं, ओके 4x बॉयज को और 9x गर्ल्स को, तो टोटल कितने हो गए, 13x, लेकिन हमारे पास हमें परसेंटेज निकालनी है स्कूल स्टूडेंट्स की, लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने, 20, yes, तो जिसको नहीं मिला परसेंटेज निकालना है, 30/20 how much in 100, yes or no, 55, बात समझ में आ गई, 13/5 = 65, yes or no, एक तो तरीका ये था, एक तो तरीका बेटे ये था, दूसरा तरीका क्या है सुन लीजिए, आप कुछ भी सपोज कर, आप 100 भी सपोज कर सकते हो, बॉयज गर्ल्स 8:2 है, तो एक तो तरीका ये है आप 100 ले लो, नहीं 8:2 नहीं है, 8:12 है, तो अगर मैं ये कह दूं, देखो इधर टोटल स्टूडेंट्स कुछ भी ले सकते हो, मैं अभी दोबारा से भी लूंगा, टोटल स्टूडेंट सपोज करो 100 है, तो फिर मेरा जो आंसर आएगा वो सीधा परसेंटेज में आएगा, अगर हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं। आप सोच सकते हो बेटे आप हिबा कि मेरे बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं यहाँ 8/20 हाउ मच इन 100, तो बॉयज हो गए 40 बेटे जी, ठीक है, अब बताओ अगर 100 लिए थे तो बॉयज 40 हैं, तो गर्ल्स अपने आप ही कितनी हो गई, 60, अब बेटे बॉयज में से 50% को स्कॉलरशिप मिली है, तो इसका मतलब 20 को स्कॉलरशिप मिली है, 25% को बेटे स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि 15 को, तो अब आपके पास इनको स्कॉलरशिप मिल गई, तो जिसको नहीं मिली तो 40 में से 20 गए, 20 रह गए, 16 में से 50 है, 15 गए तो 45 रह गए, तो 20 बॉयज को नहीं मिली और 45 गर्ल्स को नहीं मिली, तो किसको नहीं मिली स्कॉलरशिप, 65, क्योंकि 100 पे काउंट कर रहे हैं, यही मेरा परसेंटेज है जी, आ गया सर समझ में जी, दोबारा से देखो, ये बॉयज ये गर्ल्स, ये 8 ये 12, तो हम यही मान लेते हैं, x भी नहीं मानते, तो इसमें से 50% हटा दो यानी कि 4, इसमें से 25% हटा दो यानी कि 3, तो 8 में से 4 गए 4, 12 में से 3 गए 9, तो 9+4 30, तो 13/20 × 100, x की भी जरूरत नहीं, तब भी 65 आए, 65 आए, सर समझ में आ गया या नहीं है, ठीक है जी, तो कोशिश कर लें एक बार इस एक्सरसाइज को करने की, क्वेश्चन को करने की, ठीक है, तो फिर एक क्लास और लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपके पास कुछ डाउट्स होने चाहिए, और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि पेपर सॉल्व, आप कोई पीडीएफ शेयर करते हैं या, जी बेटे इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, इसकी मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, लेकिन उसके अलावा हमारी जो है गूगल क्लासरूम का लिंक ले लीजिए ऑफिस से, तो वो आपको गूगल का लिंक देंगे, उसमें फिर क्लासरूम में बहुत सारे वर्कशीट्स पड़े हुए हैं, पूरी बुक है, ठीक है, तो फिर वो वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा दूं, ये वाली बुक आप सॉल्व करेंगे, देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, नियरली 1000 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सब बच्चों को सॉल्व करना, 1000s में से कुछ भी मत करिए, 50 भी कर लीजिए तो भी बहुत है, लेकिन 50 क्वेश्चन इस तरह से समझ के करिए कि आपको एक एक चीज आती हो, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें थ्योरीज हैं, इसमें फार्मूलाज हैं, इसमें इनके सॉल्यूशंस भी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो सेल्फ मोड में जाके आप सीख सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है, और ये हर चैप्टर के, तो ये आपको गूगल क्लासरूम का लिंक, वहां से कोड जो है वहां से ले लीजिए सर, बट ये जो मैंने भी पढ़ाया है और इसका वीडियो मैं भी आपको भेज दूंगा, है ना, करेंगे कोशिश जी, ऑल द बेस्ट, नमाज पढ़ ले माशाल्लाह सब बच्चे, और यावर क्लास में रहा करो भाई जी सर, इंशाल्लाह अब पक्का, ऑल द बेस्ट।